वैक्सीन के दूसरे डोज में बड़वानी जिले के पिछड़ने पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएमएचओ सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रोक दिया है। कहा, जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं तब तक वेतन भी नहीं। कमिश्नर और कलेक्टरों की बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन के दूसरे डोज में बड़वानी जिले के प्रदेश में 51वें नंबर पर आने पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा बड़वानी ने सख्त रुख अपनाते हुए सीएमएचओ सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर रोक भी लगा दी है। कलेक्टर ने कहा कि जहां आमजन सेकेंड डोज को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मी भी वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन को लेकर सिर्फ औपचारिकता ही निभा रहे हैं। कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक वेतन नहीं। वेतन रोकने कार्रवाई की सर स्वास्थ्य विभाग, इसमें जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसी महीने में अभी जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़वानी का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा है। हम सेकंड डोज में प्रदेश में 51वें स्थान पर हैं, मतलब हम बहुत पीछे हैं। और उसके पीछे मैं जानता हूँ, एक तो आम लोग जागरूक भी नहीं है और हमारा स्वास्थ्य का जो अमला है उसका भी मुझे प्रयासों में कमी लग रही है। तो मैंने उनको ये निर्देश दिए हैं सभी को, और उनको सीएमएचओ बोला हुआ है कि जब तक हमारे ज़िले का सेकंड डोज का वैक्सीनेशन सुधार नहीं आता तब तक इनका वेतन आहरण नहीं किया जाए। और केवल स्वास्थ्य विभाग की ही नहीं, हम लोग जो अन्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी लगाए हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यदि वो भी रुचि नहीं लेंगे तो उनकी वेतन रोकेंगे और उन पर दूसरी कार्रवाई भी करेंगे। सर मतलब ये मान लें कि जब तक वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं तब तक वेतन नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें हमारा ये लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टारगेट भी दिया हुआ है कि हमको इस महीने में दिसंबर महीने में हमको सेकंड डोज भी 100% लक्ष्य हासिल करना है। और हम उस दिशा में अग्रसर भी हैं। मेरे द्वारा लगातार पूरे जिले की सारी मशीनें को लगा दिया गया है, हमारी रेवेन्यू की पूरी मशीन लगी हुई है, जिला पंचायत की पूरी टीम लगी हुई है, नगरीय निकाय लगे हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, अन्य विभाग के अधिकारी भी लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगले आने वाले एक सप्ताह में इसमें हम काफ़ी सुधार कर पाएंगे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते जिला वैक्सीनेशन में पिछड़ गया है, जिसको लेकर कलेक्टर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एमपी न्यूज के लिए बड़वानी से तरुण जैमन की रिपोर्ट।